हेलो व्यूअर्स, हाय। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, नफा और नुकसान। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। किस तरीके से प्रॉफिट हम किसी प्रोडक्ट को बेच के कमाते हैं, या कोई प्रोडक्ट हमने बेचा और उस पर लॉस हुआ तो वो कैसे पता चले, क्योंकि बिज़नेस की नींव जो है वो सिर्फ प्रॉफिट है। लॉस पे बिज़नेस होने पे बिज़नेस बंद हो जाते हैं। तो इसलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली सबसे पहला जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो फंडा है वो है रूल ऑफ फ्रैक्शन। हमें पता होना चाहिए किस तरीके से हम डील करते हैं। तो इसमें बेसिकली सिंपल एक रूल है, इफ़ देयर इज अ गेन ऑफ एक्स परसेंट, पहला, मान लो x परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ, सपोज, तो कैलकुलेटिंग फिगर वुड बी लाइक देन कैलकुलेटिंग फिगर जो होगा हमारा वो होगा 100 + x / 100। इस तरीके से हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स क्या है उसमें? गेन है। एक्स इज गेन परसेंट, एक्स इज गेन परसेंट। कहने का मतलब ये है, इसको हम देख सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, आपने क्या करा, एक बुक ली, वो परचेज करी, बुक परचेज करी आपने कितना, 100 रुपए की, और एंड सेल, और उसे फिर सेल कर दिया एंड सोल्ड इट, बेच दिया, तो बेची कितनी, सोल्ड इट एट 20% गेन पे आपने उसे बेच दिया, तो एक्स क्या है 20। तो हमें क्या पता करना है, देखो सीपी तो हमें पता है क्या है, 100। तो हमारा क्वेश्चन है एसपी क्या होगा। तो सिंपल है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या आया था, देखो सीपी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100, कितना फायदा होगा, 20% का फायदा होगा, तो 20% का फायदा होगा डिवाइडेड बाय 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 + 20 / 100। आफ्टर देन 100 × 120/100 कितना आया, 120। तो सीपी एसपी कितना आया, 120। आफ्टर 20% गेन 20% गेन के बाद हमारा एसपी कितना आया, 20। तो इससे ही पता चला कि प्रॉफिट हुआ हमारा SP - CP। SP सेलिंग प्राइस, CP कॉस्ट प्राइस, SP 120, CP कितना, 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20। प्रॉफिट हुआ हमारा 20 रुपीज़ का। तो आपको पता चल गया होगा, जब हमें फ़ायदा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। देखो नीचे 100 है और ऊपर 120 आया। अगर लॉस होता तो नीचे 100 रहता और ऊपर 100 से वैल्यू कम होती, ठीक है नहीं? तो एक रूल तो ये है। और सेकंड जो थिंग है, अगर हमें लॉस होता है तो, अगर क्वेश्चन आया कि अगर आपको लॉस हुआ तब क्या होगा, क्वेश्चन उठता है अगर आपको लॉस हुआ, देखो सेकंड है, इफ द रिक्वायर्ड वैल्यू लेस द सप्लाइड वैल्यू, इफ द रिक्वायर्ड वैल्यू इज लेस देन द सप्लाइड वैल्यू
इफ द रिक्वायर्ड वैल्यू लेस देन द सप्लाइड वैल्यू, जो रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें वैल्यू चाहिए वो अगर सप्लाइड वैल्यू से कम है, इसका मतलब ये है लॉस हुआ। इफ लॉस हैपन, अगर लॉस होता है देन कैलकुलेटिंग फिगर जो होगी, जो आपका सीपी होगा उससे क्या वैल्यू हम देन कैलकुलेटिंग फिगर होगा 100 माइनस वाई अपॉन 100, वेयर वाई इज लॉस परसेंट, वेयर वाई इज लॉस परसेंट, जिसमें वाई हमारा लॉस परसेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम इस तरीके से देखेंगे। सपोज ये देखो, एक किताब खरीदी हमने, अब बुक परचेजेस एट रुपीज 100 रुपीज पे हमने परचेज करी, एंड देन सेल इट एट 20% लॉस। अगर आपने 20% लॉस पे उसे बेच दिया तो व्हाट इज सीपी, व्हाट इज सीपी तो हम पे है, एसपी पूछना है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। देखिए आंसर 100 है, सीपी 100, हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस कितना 20%, तो कैलकुलेटिंग फिगर क्या होगी ये देखो, 100 माइनस कैलकुलेटिंग फिगर हमें फाइंड आउट करनी है, 100 माइनस 20 बाय 100, 80 बाय 100 हमारी कैलकुलेटिंग फिगर होगी। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 80 बाय 100, 100 इसमें क्या है कॉस्ट प्राइस, और 80 बाय 100 हमारा फिगर है, 100 से 100 कट हो गया, वैल्यू आ गई 80, तो लॉस कितना हुआ, लॉस बड़ा सिंपल है, लॉस हुआ एस पी माइनस, जब भी लॉस होगा कॉस्ट प्राइस में से वैल्यू माइनस करी जाएगी, जब भी लॉस होगा कॉस्ट प्राइस में से वैल्यू माइनस करेंगे, सी पी माइनस एस पी, सी पी कितना है 100 और ये एस पी कितना 80, तो कितना हुआ 20 रुपीज का लॉस हुआ 20 रुपीज पर बुक, एक किताब पे 20 रुपीज का हमारे पास लॉस हुआ है। ठीक है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। रूल ऑफ फ्रैक्शन, जिसे समझ आ गया कि लॉस होने पे फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन का जो 120/100 लिख रहे हैं, तो फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज्यादा जा रहा है, देखो 6/5, 6 वैल्यू इज मोर देन 1 जब हमारा प्रॉफिट है, और जब हमारा लॉस हो रहा है तो वैल्यू जा रहा है 1 से कम, लॉस होने पर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, 80/100, 40/50, 4/5, ये वैल्यू 1 से कम, दिस वैल्यू इज लेस देन 1, तो ये कब होती है लॉस होने पर, when loss happen, जब लॉस होता है, ये कब होती है when profit happen, जब प्रॉफिट होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड प्रॉफिट। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर कम से कम 3-4 वीडियो लेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है,
मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया या बिजनेस के टाइम पे आपको इस तरीके की अप्रोच चाहिए थी कैलकुलेशन की पता करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको लगा कि मैं कैसे करूँ। ऐसा नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करी जाएगी, आप देखिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, अ मैन बाय अ टॉय, एक आदमी अ मैन बाय अ टॉय, एक आदमी ने टॉय खरीदा फोर रुपीज ट्वेंटी फाइव में वो उसने खरीदा। अ मैन बाय अ टॉय फॉर रुपीज 25 एंड सेल इट फॉर रुपीज थर्टी उसने सेल कर दिया। फाइंड हिज गेन परसेंट हम फाइंड करेंगे, हम इसमें गेन परसेंट फाइंड करेंगे। तो हम देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस है 25 और सेलिंग प्राइस है 30। तो कुछ बेसिक चीजें मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जब प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। जब लॉस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो दिस हैपन प्रॉफिट और लॉस के केस में, ये पता होना चाहिए आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, एक इससे भी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, देखो